Kamu menarik, sehingga good morning to all. Good morning. Durachan Kumar, good morning. Ridhi Singh, good morning. Rishi Raj, hello sir ji. Alok Kumar, good morning sir. Alok Kumar. Pranam Guru ji. कौशल कुमार बाबू गुड मॉर्निंग जी राजेश कुमार राम राम सर जी राहुल कुमार गुड मॉर्निंग सर जी कौशल कुमार बाबू गुड मॉर्निंग सर जी सत्याराज गुड मॉर्निंग सर जी ऑनलाइन प्रेस गुड मॉर्निंग सर जी विकी कुमार गुड मॉर्निंग सर गुरु आर्यन राज वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी गुंजन राय सिंह गुड मॉर्निंग सर जी और शैलेंद्र कुमार राम राम सर जी मनीष कुमार जय श्याम सर जी संतोष कुमार गुड मॉर्निंग सर जी आम टू ऑल रोशन कुमार कुशवाहा रंजन कौशल कुमार गुड मॉर्निंग सर जी चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं ना क्लास को ध्यान दीजिए हम लोग जो है शुरू कर लें आप लोग नियमित रेगुलर रूप से काम करिए और जो है नियमित पढ़िए और पढ़ने वाले छात्र को जो है सफलता जब मिलती है उसकी
जो है गारंटी है ना। तो ये जानना है, सफलता आपको निश्चित मिलेगा, आप प्रयासरत रहिए, है ना। झुकती है आसमान, झुकाने वाला चाहिए, और मिलती है नौकरी, पढ़ने वाला चाहिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग को, यहाँ से आप देखिएगा, पहला जो आप कल 5 क्वेश्चन बताए थे, आज जो है 6ठा क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप लोग बोर्ड पर इसको बना भी सकते हैं, है ना। यदि आपसे संभव है तो पहले आप बनाइए, देखिए 3 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 था, 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 22:5 होगा, बी की वर्तमान आयु क्या है ये निकालना। तो प्रयास करिए आप लोग बनाने का सबसे पहले, है ना। तो आसानी से बनाइए इसको। जवाब दीजिए। हाँ, रिद्धि सिंह 20 दिए हैं जवाब। ठीक है, गुड मॉर्निंग तो हुई, और गुड मॉर्निंग का नहीं कर रहे हैं, अब हो गया, अब क्लास आ गया, शुरू हो गया, पहला प्रश्न जवाब दीजिए, है ना। शैलेंद्र कुमार 20 वर्ष, रिद्धि सिंह 20 वर्ष, अभी बहुत कम लोग जवाब दिए हैं, 42 लोग बात कर रहे हैं अभी जो है, और लोग जुड़िए जो है धनाधन जो है जल्दी से, है ना। ठीक है, सब लोग 20 वर्ष दे रहे हैं, प्रदुमन राय 20 वर्ष, और जो है शैलेंद्र नीतीश कुमार 20 वर्ष, राहुल कुमार 20 वर्ष, प्रदुमन राय 20 वर्ष, है ना। सितंबर से बताया जाएगा ऑफलाइन के बारे में। अच्छा ठीक है, विकास कुमार जो है अभी है, आपको आपका जवाब 20 वर्ष है। अरे वाह, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, सब 20 वर्ष में लगाए हुए हैं, एक भी इधर उधर नहीं जवाब है, सबका जवाब विवेक कुमार 20 वर्ष, वाह वाह। मिस्टर जितेंद्र कुमार रंजन 20 वर्ष, कई बार दीजिएगा जवाब, मिस्टर जितेंद्र कुमार 20 वर्ष, एक बार में 5-5 बार जवाब दे रहे हैं, एक ही बार कमेंट कीजिए, बार बार क्यों कर रहे हैं। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ से जो है अभी ये जो देखिएगा अनुपात है 3:1, और ये जो है 22:5 है। आपको बताए थे अनुपात को जो है संगत बनाने के लिए नीचे वाले अंतर को ऊपर में गुना, ऊपर वाले अंतर को नीचे में गुना, तो 22 और 5 का अंतर कितना होता है, 17 होता है। तो आप ऊपर में 17 से गुना कर दीजिएगा, और नीचे में जो 3 और 1 का अंतर 2 होता है, तो नीचे में 2 से गुना हो जाएगा, तो आपका संगत बन जाएगा, 17 * 3 = 51 हो जाएगा, और 17 * 1 = 17 हो जाएगा। अब देखिएगा 22 * 44 हो जाएगा, और ये 5 * 10 हो जाएगा। अब देखिएगा 7 साल यहाँ भी कम रहा है, 7 साल इधर भी कम रहा है, 7 साल कम रहा है दोनों का, है ना। ए का भी 7 साल कम रहा है, और बी का भी 7 साल कम रहा है। अभी यहाँ 3 साल पहले और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दिया हुआ था, है ना। तो 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 22:5 इतना होगा दिया हुआ है ना। तो आपको समझना है आपको कि 3 वर्ष पहले है और 4 वर्ष के बाद है, तो जोड़ करके क्या होता है इसको समझिएगा, ध्यान से समझिए। 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में अंतर, है ना, 3 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद में अंतर 7 वर्ष का हो जाएगा। और जरा देखिएगा इधर का डिफरेंस भी 7 आ रहा, तो 7 से आपका जो है गड़बड़ हो गया, ये 22 * 44 5 * 10 17 * 3 = 51 और 17 * 1 = 17। आप देखिएगा यहाँ से 44 + 7 = 51 और 10 + 7 = 17। चलिए ठीक है, अभी आपको देखिएगा यहाँ से जो है आपको 7 का डिफरेंस हुआ 3 वर्ष और 4 वर्ष बाद 7 का अंतर हुआ, यहाँ भी अंतर 7 का है, भागा 7 से पड़ेगा। और गुना निकालना है आपको बी के लिए, तो बी यहाँ पर देखिएगा 17 से हम गुना करते हैं, तो बी का निकला, लेकिन बी का निकला फर्स्ट वाला साइन में 3 साल पहले का निकला, अब वर्तमान में निकालना है तो 3 साल क्या करेंगे जोड़ेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 17 * 3 = 20 वर्ष हो जाएगा, जवाब आपका आ गया, आपका निकल गया। चलिए बहुत लोग का जवाब सही है ना। ऐसे चलिए बहुत कुछ लिखे हैं, ऐसे गुना किया करे है सर, कैसे गुना किया। अच्छा एक चीज है, आप भागा दीजिए ना, भागा देना है, ये समय के डिफरेंस को भागा देना, और जिसका मान निकालना उससे गुना करना, जैसे हमको बी का निकालना, तो बी वाला के लिए ए के लिए देखिए ये हो गया, और ये है आपको बी के लिए, तो बी के लिए तो 17 आएगा ना, ए के लिए 51 आएगा, बी के लिए 17 आएगा, तो बी का निकालना, तो बी वाला अनुपातिक मान से गुणा,
अरे प्लस जो है आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो सही दिख रहा है, अच्छा अच्छी बात है, आप लोग का सौभाग्य है कि हम भी इतना सीख गए हैं। वीडियो चलाना हमको आता नहीं था, लेकिन आपके कृपा से सीख गए हैं। ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम इतना सीख गए। गुड मॉर्निंग सर जी। चलिए सुपर फास्ट का वादा, क्वालिटी सबसे ज्यादा, ये पूरा हो जाएगा आपका सपना। सर वीडियो साफ नहीं दिख रहा। अच्छा आपको साफ नहीं दिख रहा है, अच्छा नजरिया ठीक होगा, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो तो हम लोग सुधार कर लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न का जवाब फटाफट दीजिए। देखिए आ गया दूसरा प्रश्न, इसका जवाब बना बन दीजिएगा, रुकिएगा नहीं, फास्ट गति से जवाब देना। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात जो है, अनुपात 4 और 5 है, 5 वर्ष के बाद में यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है, इसको निकालना। तो ध्यान देंगे, ए की आयु निकाला, फटाफट निकालिए आप जवाब, देरी मत कीजिए, एकदम धाय धाय निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिएगा ऐसा है, 4 से 5, 5 से 6, ये तो डिफरेंस बराबर है, एक का डिफरेंस है। और ये जो है वर्तमान समय का है, और ये जो है आपको 5 वर्ष के बाद का है, तो डिफरेंस वर्तमान समय और 5 वर्ष बाद में डिफरेंस कैसा होगा, 5 साल का है ना। और भागा देखिए 4 से 5 और 5 से 6, एक एक साल बढ़ा है, तो भागा कितना से, 1 से है ना। ये डिफरेंस 4-5 का डिफरेंस 1, 5-6 का डिफरेंस 1 है ना, ये एक एक का डिफरेंस है। अब कुछ नहीं करना आपको, किसका निकालना, ए का मान निकालना है। तो ए की बात समान है कि ए वाला से, ए वाला के लिए कौन आएगा, ए है ये बी है, ए के लिए कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से 1 निकल गया। कौन समय, फर्स्ट वाला का समय क्या, वर्तमान आयु, यानी वर्तमान में एक का उम्र निकल चुका, जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। तो 5 चौका कई बरस हो गया, 20 वर्ष। चलिए आपका भी जवाब आना चाहिए सबका, हाँ सब तो 20 वर्ष। एक व्यक्ति 2 वर्ष दिए है जवाब, लेकिन दोबारा जवाब फिर दिए हैं, 20 वर्ष बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। रिधि सिंह 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष, एक तो 30 वर्ष दिए है। जितेंद्र कुमार रंजन गड़बड़ाते हैं, चलिए ठीक है, गड़बड़ाते गड़बड़ाते सुधर गए हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है जवाब सबका है ना। चलिए ठीक है, मोबाइल थोड़ा ठीक कर लीजिए, आपका भी थोड़ा सा हो सकता है कुछ गड़बड़ रहे है ना, हम प्रयास किए हैं बहुत अच्छा, लेकिन यदि गड़बड़ हमारे तरफ से होगा तो हम जरूर सुधारेंगे। चलिए ध्यान देंगे, अभी देखिएगा अगला नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया बोर्ड पर, आप बनाइए इसको, 8वां नंबर का क्वेश्चन आ गया, आप भाई भाई बनाइए। चलिए बनाइए इस प्रश्न को, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 होगा, 14:3 17 17:3 20, ये तो बराबर की वृद्धि हो ही रहा है, ये 3 साल बढ़ गया, और ये भी देखिए 3 साल बढ़ रहा है, ये तो बराबर का डिफरेंस है ही, इसमें कोई कुछ करना नहीं, भागा देना, ये देखिएगा वर्तमान समय है, 6 साल बाद तो अंतर हो गया 6 साल का, बाकी आप काम कीजिए ना, भागा दीजिए इसको 3 से, और गुना किसका निकालना है कीजिए, फटाक से आएगा शेखर का निकालना, तो शेखर देखिए फर्स्ट में आया कि सेकंड में है, विशाल है फर्स्ट में, शेखर कहाँ है सेकंड में, फर्स्ट में विशाल है और सेकंड में शेखर है, तो सेकंड वाला रेशियो से गुना कर दीजिएगा, 17 से गुना कीजिएगा, तो ये 17 जो आया उसका समय है कौन काल, वर्तमान काल, ये वर्तमान काल में आपका निकल गया, वर्तमान में निकालना ही था तो आपका निकल गया है ना, वर्तमान में निकालना था, वर्तमान में आपका आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया आपका, ये जवाब हो जाएगा। चलिए 34 वर्ष बिल्कुल सही जवाब, फटाफट जवाब दीजिए, देरी मत कीजिए, एकदम फटाफट 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 एकदम साए साए, उत्तर में कोई देरी नहीं, धनाधन जवाब दीजिए एकदम, ठीक है बिल्कुल सही है, आपको 2 बार कट जाएगा, 17 दुनी के 34 वर्ष। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया, आप जवाब देंगे, अगला क्वेश्चन बताइए आप जो है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। चंदन कुमारी 34 वर्ष, चांदनी कुमारी 34 वर्ष, ठीक है बहुत अच्छा जवाब, संतोष कुमार 34 वर्ष, सत्याराज
34 बहुत लोग आए, ठीक है, बहुत अच्छा है आपका जवाब। विकास कुमार दास जी, बहुत अच्छे जवाब है आपका भी, सही नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, सही, अब तो प्रयास करेंगे, कल जो दिख रहा है जितना उतना पर अधिक कीजिए, जो आ रहा है प्रश्न पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कुछ तो कमियां रहती है संसार में, सब दूर नहीं हो सकता है, मानव है, मानवता में कुछ ना कुछ। हाँ बाल मुकुंद कुमार जी 34 वर्ष, बहुत अच्छा जवाब। 23 वर्ष रिद्धि सिंह, 23 वर्ष किसका जवाब दिए हैं? 23 वर्ष आप ये देख, अच्छा अच्छा नया प्रश्न का आ गया, अच्छा ठीक, 23 वर्ष इस प्रश्न का जवाब 23 वर्ष, ठीक है, 34 नहीं 23, अच्छा ठीक है। कोई पिछले लोग का जवाब दे रहे हैं, रिद्धि सिंह 23, नवीन कुमार 23, रिद्धि सिंह 23, अच्छा विवेक कुमार 34। एक बार जवाब दीजिए, बार बार दम धनाधन जवाब दे रहे हैं आप सब। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी 3 से 4 हो रहा है, 4 से 7 हो रहा है, इसका मतलब अलग अलग वृद्धि हो रहा है, यानी हर व्यक्ति का उम्र एक एक अनुरूप, एक समान वृद्धि और एक समान कमी होती है। यहाँ 3 से 4 हुआ तो एक का वृद्धि हुआ, और इसमें हो गया 3 की वृद्धि, तो एक समान वृद्धि नहीं हुआ, एक समान एक रूपता के साथ वृद्धि होना चाहिए या कमी होना चाहिए, ऐसा नहीं, इसको अरेंज करना होगा। जैसे देखिएगा ये 3:4 है, 4:7 है, एक समान वृद्धि नहीं है, इन इन दोनों के अंतर को ध्यान से समझिएगा, क्षैतिज डिफरेंस को, सेकेंड वाला क्षैतिज डिफरेंस को ऊपर में गुना, ऊपर वाले क्षैतिज डिफरेंस को नीचे में गुना। आप जरा सा समझिएगा, ऊपर में 3 और 4 में अंतर 1 है, तो 1 को नीचे से गुना, और 4 और 7 में अंतर जो है आपको 3 है, तो 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, आपका देखिएगा धनाधन बन जाएगा। अभी आप देखिएगा इसमें कितना हो जाएगा, 9:12 हो जाएगा 12, और ये जो है आपका 4:7 क्या रह जाएगा, 7। आप देखिएगा डिफरेंस बराबर हो गया है ना, 4 और 5 9 5 का अंतर, और 7 और 5 12 5 का अंतर, और डिफरेंस तो बराबर हो गया, अब आने की संगत हो गया। आप जो है भागा दीजिए, अभी देखिएगा वर्तमान काल है 10 वर्ष पहले, वर्तमान काल और 10 वर्ष पहले में अंतर 10 वर्ष का हुआ, वर्तमान समय और 10 वर्ष पहले के समय में अंतर हुआ 10 वर्ष का। यहाँ डिफरेंस बता रहा है कितना का, 5 का डिफरेंस बता रहा है, तो 5 से भागा पड़ गया। अब निकालना है हमको 5 वर्ष के बाद में मीरा की आयु कितनी है, तो चलिए मीरा कहाँ है, फर्स्ट में है कि सेकंड में, मीरा फर्स्ट में, देखिए ये मीरा का हो गया और ये जो है आपको प्रिया का हो गया, तो मीरा फर्स्ट में, उसके लिए 3 गुना होगा, लेकिन 3 गुना हुआ तो निकला किस समय का आयु, वर्तमान का निकला है ना, जब 3 गुना हुआ तो 3 किस समय का था, वर्तमान समय का था, इसलिए वर्तमान समय का निकला, लेकिन हमको वर्तमान का नहीं निकालना, हमको निकालना है 5 साल के बाद का, तो 5 साल और इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखिएगा 2 बार में कट जाएगा, 3 × 6 = 5 = 11 वर्ष होगा है ना, आप ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष का अंतर था वर्तमान काल और इसमें अंतर वर्तमान समय 10 वर्ष पहले में समय में अंतर 10 वर्ष का, यहाँ डिफरेंस आ गया आपको 5 का, गुना करेंगे 3 से, तो 3 से गुना करने पर वर्तमान आयु निकलेगा, लेकिन निकालना हमको 5 वर्ष के बाद का, तो 5 वर्ष और इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 5 वर्ष बाद का उम्र निकलेगा है ना, तो आपका जवाब हो गया कितना, 3 × 6 = 5 = 11 वर्ष। हाँ अब तो जवाब कुछ कह रहा है, अजय यादव 1, 2, 3, 11, बाल मुकुंद कुमार 23, हाँ विकास, चलिए ठीक है सर, वीडियो सही नहीं आ रहा है, कुछ उपाय आप भी करिए, हम तो किए हुए हैं, आपके अनुसार और ध्यान देंगे हम। बोर्ड पर लिखावट कुछ नहीं दिख रहा है, जरूर दिख रहा होगा, कुछ नहीं कैसे दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा झिलमिलाहट आता है क्योंकि अधेला करना पड़ता है ना, तो थोड़ा मोटा जो है वो आएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा मोटा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका,
उसका नेटवर्क स्लो होगा या प्रॉब्लम होगा उसके कारण लग रहा होगा, हम लोग का मोबाइल में तो सही इधर चल रहा है तो ऐसा दिक्कत तो नहीं आ रहा है। बनाइए इसको, 7 वर्ष पहले ध्यान रहे यहाँ से जो प्रश्न है, 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 था, 7 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। बी की वर्तमान 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, समान वृद्धि है, ध्यान समझिएगा। जैसे ही 4 से 5 यहाँ से भी देख सकते, 4 से 5 और 5 से 6 समान वृद्धि, एक साल का वृद्धि है। ये जो है आपको 7 साल पहले और ये 7 साल बाद, 7 साल पहले 7 साल बाद, 14 साल का अंतर हुआ, तो 14 में भागा एक तक बढ़ रहा देखे है, ये 4 से 5 हुआ एक बढ़ा, 5 से 6 हुआ एक बढ़ा, तो एक का डिफरेंस है, एक से भागा पड़ेगा। निकालना है आपको बी की वर्तमान है ना, तो बी की वर्तमान आयु निकालना है, तो बी के लिए कौन आएगा, 4 आएगा कि 5 आएगा, 5 आएगा, तो ये 5 तो लिखा ये बी का निकला, लेकिन इसका टाइमिंग क्या हुआ है ना, इसका टाइमिंग क्या हुआ उसको समझिएगा। तो इसका टाइमिंग आगे देखिए क्या टाइमिंग लिखा हुआ, 7 वर्ष पहले, ये 7 वर्ष पहले का निकल गया। अब आपको निकालना है कैसा आयु, वर्तमान आयु, 7 वर्ष पहले का निकला और वर्तमान निकालना है, तो 7 इसमें क्या करें जोड़ेंगे, तो 14 × 5 = 70 और 7, 14 × 5 = 70 और 7 मिला करके हो जाएगा 77 वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छा अजय यादव जी, बहुत अच्छा विक्की सिंह, बहुत अच्छा 77 आपका भी जवाब है, विकास कुमार दास 77, ठीक है 77 77, ठीक है बहुत लोग 77 हैं, 70 + 7 ये भी 77 हुआ, आपका भी जवाब सही है, 70 + 7 भी होगा, 100 - 30 भी होगा, अच्छा ठीक है, मैथ में जवाब आप दे रहे हैं, चलिए ठीक है 77 वर्ष, ठीक है ठीक है, विकास ठीक है, आर्यन राज आपका भी जवाब 77 वर्ष है, अनिश कुमार आपका भी जवाब 77 है, गुंजन कुमार आपका भी 77 है, रिद्धि सिंह आपका भी 77 है, चलिए ठीक है, दीपक कुमार आपका भी 77 है, धर्मेंद्र कुमार आपका भी 77 है, संतोष यादव आपका भी 77 है, विवेक कुमार आपका भी 77, संतोष कुमार ठीक है, चलिए सही है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होइए, है ना, तैयार रहिए, जो है आपको जवाब पूरा देना है, आपको दम देना है, आज कम से कम बहुत जवाब दे देना आपको, पूरा स्पीड में चलेगा, चलिए जवाब दीजिए। 1 वर्ष पहले सानिका और गौरी की आयु का अनुपात 3:5 था और 1 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, 3 और 7 = 10 और 4 और 7 = 11, टैली नहीं कर रहा, तो आपको मिलाना होगा 3:4 और 10:13, इसके अंतर को ऊपर में गुना, यानी 3 का अंतर है 10 और 13 में 3 का अंतर है, तो 3 को ऊपर गुना, और 4 और 3 में अंतर 1 का है 1 का नीचे गुना, ऊपर में हो गया 3 * 9 और 4 * 12, नीचे हो जाएगा 10 और कितना 13। अब आपका देखिएगा ये डिफरेंस एक हो रहा +1 + 1 का, अब वही काम कीजिए भागा 2 गुना को, अब जरा देखिए यहाँ से, अब आपका क्या है 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष पहले और 1 वर्ष बाद में अंतर हुआ 2 वर्ष, तो 2 में भागा यहाँ कितना से, एक का वृद्धि हो रहा है 1 से, किसका निकालना, निकालना है हमको सानिका का, सानिका कहाँ है फर्स्ट है ना, तो फर्स्ट में जवाब कितना, फर्स्ट में है 3, तो 3 निकला, लेकिन किस समय में निकला, 1 साल पहले, यहाँ ध्यान दीजिए 1 साल पहले है 3 है ना, तो 1 साल पहले है और निकालना है वर्तमान में, 1 साल इसको जोड़ेंगे, अब आप लोग जवाब दीजिए, उतना पर तो जवाब दे सकते हैं। अजय यादव जी 7 वर्ष लिखे हैं, चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं है ना, रिद्धि सिंह 19 वर्ष, विवेक कुमार 19,
अच्छा साथ दिए हैं अजय यादव साथ में, बहुत अच्छा है। आपको दीपक कुमार बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत सुंदर जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, इतना क्वेश्चन आप नहीं पढ़ा पाए, कोई स्पीड में जो है पढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहता है। जवाब देखिए जो है, चलिए इसका जवाब दीजिए। रंजना और राखी, रंजना और राखी की आयु का अनुपात जो है 15:17 है। 6 बरस के बाद में इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा और 6 बरस के बाद में रंजना की आयु निकालना, बहुत आसानी से निकलेगा। बनाइए फटाफट निकालिए, कहीं कोई दिक्कत आप बना सकते हैं। 15, 9, 15, 10, 16 डिफरेंस में अलग है, आपको मैच कराना पड़ेगा। मैच कराइए तुरंत बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। 15, 17 और ये है 9 और 10, इसका अंतर 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे, इसका अंतर जो है 2 है, नीचे 2 से गुना करेंगे। 15, 17 और ये जो है 18 और 20, देखिएगा 3-3 बढ़ रहा, ध्यान दीजिएगा 3-3 बढ़ रहा। आप भागा को गुना करो निकालो ना, क्या कुछ है इसमें थोड़ी। रंजना राखी का वर्तमान में है इतना और जो है 6 बरस के बाद, वर्तमान समय का है मैंने प्रेजेंट टेंस होता है, मैंने प्रेजेंट टेंस होता है, और ये 6 बरस के बाद, तो यानी कि अंतर दोनों में हो गया 6 साल का, यहाँ अंतर 3 का, 3 से आप गुना करना निकालना है रंजना का। रंजना देखो फर्स्ट में है ना, फर्स्ट में रंजना फर्स्ट से यानी गुना हो जाएगा 15 से। अब आपको जो है करना क्या होगा, 6 बरस के बाद निकालना है, निकला वर्तमान का और 6 बरस के बाद निकालना, 6 और जोड़िएगा, तो जवाब आप दीजिए। ठीक है 36 बरस है संतोष कुमार, 36, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। हाँ अजय यादव जी 29 बरस क्यों जवाब दिए हैं, अच्छा 36 36, ठीक है। ठीक है कट जाएगा आपको एक दो बार में है ना, तो 15, 20, 30 और 36 बरस ही जवाब आएगा, बन गया। आप तैयार रहिए फटाफट जवाब दीजिए, अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, क्वेश्चन की कमी नहीं, धनाधन बनाइए ना, पूरा हल करा देंगे। साइन साइन बनाइए, बनाइए इसको जल्दी जल्दी बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए, ये पिता की आयु पुत्री की आयु का अनुपात 17:7 है, ध्यान से समझिएगा, ये 17:7 है ना, और 6 बरस के बाद में 6 बरस पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1, इसका अंतर 2 का है, तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा, और ऊपर में 17:7 में अंतर 10 का है, तो 10 नीचे गुना। अब आप करिए ना, 17 × 2 = 34 और 7 × 2 = 14 और ये जो है 10 × 3 = 30 और 10 × 1 = 10, ये 4 साल का डिफरेंस हो गया, ध्यान दीजिएगा ये 4 साल का अंतर हो गया है ना। अब देखिएगा ये वर्तमान काल का है ना, और ये 6 बरस पहले का, तो वर्तमान काल और 6 बरस पहले में अंतर जो है 6 बरस का आ गया है ना, और 6 में यहाँ अंतर है कितना का, 4 का, तो 6 को भागा कितना से, 4 से। अब निकालना है हमको पिता की आयु, तो पिता के लिए आएगा, ये पिता का है फर्स्ट में, आई कौन का है पुत्र का, तो पिता के लिए आपको 34 से गुना है ना, ये 34 से आपका गुना हुआ, पिता का निकला लेकिन किस समय निकला, वर्तमान काल में, वर्तमान में ही निकालना, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, निकल गया है आपका 2 × 4 = 3 × 6 और 17 × 2 = 34
तो 17 किया कितना आ गया 51 वर्ष आपका जवाब आ गया। सही जवाब आप लोग का था, देखिए बहुत लोग जवाब दिए, रिधि सिंह है साहब, बहुत लोग एकावन दिए हैं, जितेंद्र कुमार रंजन है, धनेश्वर कुमार 51 वर्ष है, राजेश कुमार है, अनु कुमारी 51 वर्ष है, बहुत लोग जवाब अच्छा से दे रहे हैं। चलिए ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, आप सभी का जवाब सही है, और ध्यान देंगे आप लोग जो है ना, बिल्कुल एकदम रहिए तापमान से लगे रहिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, फटाफट जवाब दीजिए। ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 6 वर्ष के बाद में यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, 5 वर्ष पहले बी की आयु कितनी है। नवीन दास जी 41, संतोष यादव 31, अनीश कुमार 41, राजेश कुमार 41, रोहित कुमार 31, हर्षराज, ये कौची कर रहा है, अच्छा ठीक है चलिए ठीक है। मुन्ना कुमार 41 वर्ष, आर्यन राज वर्मा 41 वर्ष, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अभी आपको 8 से 6 हुआ 6 से 7 हुआ, यहाँ पर तो देखिए ऐसे ही पता चल रहा है, 1 साल का डिफरेंस है, ये वर्तमान काल है, 6 वर्ष बाद है, तो 6 को भागा दे देंगे हम लोग जो है। हाँ ध्यान दीजिएगा, 6 को हम लोग भागा दे देंगे, छ को भागा जो है 1 से देंगे, और निकालना है हमको जो है मान किसका निकालना है, 5 वर्ष पहले बी की आयु, तो बी के लिए हमको 5 आएगा कि 6 आएगा, 6 आएगा, तो 6 का निकला लेकिन वर्तमान काल में निकला, और निकालना है 5 साल पहले, है ना, 6 का निकला लेकिन किस काल में निकला, वर्तमान काल में, ये सेंटेंस जो है आपको वर्तमान काल का है, तो वर्तमान काल में निकला लेकिन आपको निकालना है 5 साल पहले, तो 5 माइनस करना होगा, तो 36 में से 5 घटेगा, तो 31 वर्ष आपका जवाब होगा, है ना। चलिए पद्मन जी आप 41 दिए हैं, थोड़ा और ध्यान दीजिए, बाकी लोग का 31 आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब है 31, बहुत लोग जवाब दिए 31, कुंदन कुमार 31, नवीन कुमार 31, आर्यन राज 31, ठीक है आप सबका जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप जवाब देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका जवाब दीजिए। अमर अंजलि की वर्तमान आयु में 2/3 का अनुपात है, 3 वर्ष के बाद में अनुपात क्या होगा, जवाब दीजिए फटाफट जवाब दीजिए, ये तो बहुत आसान है, 2 से 3, 3 से 4 डिफरेंस बराबर है, जल्दी जवाब दीजिए, पूछना है 3 साल का अंतर है, 3 को भागा 1 से, अमर का निकालना है, अमर फर्स्ट में है, दूसरे
फटाफट जवाब, सेकंड नहीं लगता जवाब, कितना आपका जवाब आ रहा? चलिए, बहुत लोग का जवाब छह आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन आ गया, इसका जवाब दीजिए, साई साई जवाब दीजिए। अब समझदारी तो आपको आ गई है पक्का, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रयास करिए जवाब देने में। आप 6 साल पहले, 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, 4 साल बाद अनुपात जो है 10:11:10 हो जाता है, तो सुरेश की वर्तमान उम्र क्या? 6:5:11:5:5:10, देखो 5-5 साल बढ़ रहा, ये डिफरेंस बराबर 6:5:11:5:5:10, 5 साल का डिफरेंस है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 6 साल पहले और 4 साल के बाद, 6 साल पहले 4 साल के बाद 10 साल का अंतर हो गया, यहाँ डिफरेंस 5 का है, भागा 5 से निकालना है सुरेश के लिए, तो सुरेश फर्स्ट में है, सुरेश सेकंड में है, तो सेकंड में कौन है? 5 है, गुना हो गया, ये निकला कब का? 6 साल पहले का, 6 साल पहले 5 जो है, 5 का समय जो है 6 साल पहले है, ये 6 साल पहले में निकला और निकालना है वर्तमान में, तो 6 साल पहले का निकला हुआ वर्तमान का निकालना, तो 6 साल जोड़ देंगे, जवाब आपका देखिए हो जाएगा, जवाब हो गया 16 बरस। चलिए जवाब बहुत बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब दिए आप लोग, अनिश कुमार, रिद्धि सिंह, बहुत अच्छा जवाब है, सबका जवाब सही है। राजा राम तो 6 बरस दे दिए हैं, और सुधारिए थोड़ा, बहुत लोग का जवाब सही है, बहुत अच्छा जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात जो है 8:15 है, ध्यान देंगे 8:15, 9 बरस के बाद में इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा, इन दोनों के आयु में अंतर क्या है निकालना, सेम टाइप से बनेगा, आप प्रयास कीजिए बनाइए। 15 मिनट भूख का टाइम बर्बाद कर देना आसान काम होता है, तुरंत तुरंत आंसर दीजिए, फटाफट निकलेगा। राजा राम 21, मुन्ना कुमार 21, रिद्धि सिंह 21, रिद्धि सिंह 21, संतोष कुमार 21, ठीक है, अजय यादव 21, ठीक है, आलोक कुमार 21, विकास कुमार 21। चलिए देखिए, अभी आपको 8 है और 8 3 11 15 3 18, तीन तीन का डिफरेंस है, 8 से 11 हुआ तो 8 3 11, देखिए 8:15 है, 11:18, ये तीन तीन का अंतर है, दोनों में तीन तीन का अंतर है, ध्यान से समझिए। तो आपको ये है वर्तमान काल का, है माने वर्तमान काल, और ये जो है 9 बरस के बाद का, तो 9 साल का डिफरेंस हो गया, है ना, एक वाक्य है वर्तमान काल का और दूसरा वाक्य है 9 साल बाद का, तो ये दोनों वाक्य के समय में अंतर हो गया कै साल का? 9 साल का। अब जरा यहाँ जो डिफरेंस दिखा रहा है वो 3 साल का डिफरेंस दिखा रहा है, तो भागा 3 से पड़ेगा। अब आपको निकालना है इन दोनों के आयु के अंतर, तो आयु का अंतर के बारे में एक बात समझिएगा, दो व्यक्ति का आयु का अंतर किसी भी समय में निकाल देंगे तो उतना ही आएगा जितना आना, उससे कोई समय का प्रभाव डिफरेंस पर नहीं पड़ता,
जैसे आप वर्तमान में अंतर निकालने हैं चाहे यहां से अंतर निकालने सब जवाब ठीक ही आएगा। आप देखिए 8 और 7 15 ये अंतर कितना का 7 का है, 8 और 7 में अंतर 7 का है तो 7 से गुणा कर दीजिए तो ये वर्तमान में अंतर निकल गया। तो वर्तमान का अंतर भूत का अंतर भविष्य का अंतर एक ही होता है। अभी 3 से कट जाएगा देखिएगा आपको तो 7 किया कितना हो जाएगा 21 वर्ष आपका जवाब निकल जाएगा। बहुत शानदार तरीका से जवाब निकल गया है ना, तो बहुत ही अच्छा ढंग से निकलेगा जवाब, कहीं पर डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा आप जो है। देखिए आ गया जवाब, बनाइए फटाफट बनाइए। सीमा और हिमा की आयु का अनुपात जो है 9:16 है। 10 वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना का अंतर है? गुंजन राय 21 तो पहला प्रश्न का जवाब था, इसका बनाइए बनाइए कथन। आलोक कुमार 14 वर्ष, अजय यादव 14 वर्ष, ठीक है 14 वर्ष, विकास कुमार 14 वर्ष, रोहित कुमार 14 वर्ष, राजेश कुमार 14 वर्ष, ठीक है ठीक है। चलिए तो बहुत अच्छा जवाब है सबका 14 वर्ष, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे आप, 9 से 2 हुआ यानी 7 साल कम हुआ, इधर डिफरेंस समान है 9 से 2, ध्यान से समझिएगा 9 और 16 का रेशियो है, 9 और 16 का रेशियो इसको समझिएगा, फिर 2 और जो है आपको 3 का रेशियो, ध्यान से समझेंगे आपको जो है। यहाँ अंतर है 1 का तो ऊपर 1 से गुना, और इसमें 9 और 16 में अंतर 7 का, 9 7 16 हुआ, ये 7 का अंतर है, ध्यान दीजिएगा 7 का अंतर है तो 7 नीचे मिलेगा। अब जरा देखिएगा ऊपर 9 और 16 रह गया और नीचे में हो जाएगा 7 × 14 है ना, 7 × 21। अभी डिफरेंस देखिए 5 5 साल का डिफरेंस आ गया है ना, 16 5 21 और 9 5 14। अब यहाँ पर देखिएगा पहला सेंटेंस जो है वर्तमान काल का है ना, पहला सेंटेंस वर्तमान काल का और दूसरा वाक्य जो है आपको 10 वर्ष के बाद का है। तो पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में जो है समय का अंतर हो गया 10 वर्ष का, ये 10 वर्ष का डिफरेंस हुआ। यहाँ डिफरेंस है कितना का, 5 का डिफरेंस हो रहा है, ये 5 से आपका क्या पड़ेगा भाग, निकालना है हमको इन दोनों की आयु में अंतर, तो 9 और 16 में अंतर, 9 और 16 में अंतर कितने का 7 का, तो 7 से गुना कर देंगे 5 × 10 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा तो ये 7 × 14 वर्ष हो जाएगा। तो ये जवाब इस तरह से आपका 14 वर्ष निकल गया है ना। चलिए धनेश्वर कुमार जी आप गड़बड़ा गए, पटरी से नीचे चले गए, 21 वर्ष आप जवाब दिए, बाकी सबका 14 14 14 ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नया क्वेश्चन आ गया आपका, ही बनाइए इसको। देखिए पढ़ दे रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व मोना और सोना की आयु में अनुपात 5:7 था, 5 वर्ष पूर्व मोना और सोना की आयु में अनुपात 5:7 था, 3 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या। फटाफट बनाइए, सोलह सोलह चौदह भी, सोलह भी अच्छा
और जवाब दीजिए। अनीश कुमार सौदा सोलह, फटाफट जवाब आ रहा है आप सबका, कम दना दन आ रहा। चलिए बहुत सुंदर बात है, आप ध्यान देंगे यहाँ से पांच का तीन अंतर सही नहीं है, यहाँ सुधारेंगे। सबसे पहले यहाँ से पांच अनुपात देखिएगा, पांच अनुपात सात है और ये तीन अनुपात चार है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ अंतर दो का है, यहाँ अंतर तीन का, उल्टा पुल्टा गुना होगा। इसमें अंतर एक का है, क्षैतिज अंतर को उल्टी पुल्टी करके गुना करेंगे, और इसमें अंतर दो का है तो दो से नीचे गुना हो जाएगा। अभी रह गया पांच अनुपात सात, अब ये बन गया छह अनुपात जो है आठ। अब जरा देखिएगा एक एक का डिफरेंस है ना, एक साल का डिफरेंस आ रहा ऐसा। अब कुछ नहीं करना है, ये आपको पांच साल पहले का पहला वाक्य पांच साल पहले का है और दूसरा वाक्य जो है तीन बरस के बाद का है, तो पांच साल पहले और तीन बरस बाद है ना, पांच साल पहले और तीन बरस बाद में अंतर हो गया आठ साल, जुड़ता है, पहले एक बाद रहेगा तो जोड़ के अंतर निकलेगा, तो पांच वर्ष पहले या तीन वर्ष बाद में अंतर हो गया आठ वर्ष का। आप देखिएगा यहाँ जो अंतर है वो कितने का अंतर है आपको, एक साल का, तो एक से भाग पड़ेगा। निकालना है आपको किसका अंतर, उनकी आयु में अंतर, तो आयु में अंतर पांच और सात में अंतर दो का है, दो से गुना कर दीजिएगा तो जवाब हो जाएगा सोलह वर्ष है ना। आप सभी का जवाब, बहुत लोग का जवाब सोलह है, धनेश्वर कुमार जी चौदह दिए हैं, और क्या है चांद कमल कुमार चार बरस दिए हैं, रोहित कुमार चार बरस दिए हैं, विकास यादव सोलह बरस हैं। चलिए बहुत लोग का जवाब सही है, कुछ लोग पटरी से नीचे भी गए हैं तो ध्यान में उनको जो है और सुधारने की जरूरत है। लीजिए यार आने जवाब देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नया क्वेश्चन लेके दे रहे हैं, नया क्वेश्चन आपका आ रहा, देखिएगा आ गया। त्रिशा और शालिनी की आयु का अनुपात जो है सात अनुपात छह है, ध्यान देंगे, और आठ वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात नौ अनुपात आठ हो जाएगा, इनकी आयु में अंतर कितना है ये निकाल। त्रिशा तथा शालिनी की आयु का अनुपात सात अनुपात छह है, आठ वर्ष के बाद में इनकी आयु का अनुपात नौ अनुपात आठ हो जाएगा, इनकी आयु में अंतर कितना। अभेश कुमार चार वर्ष, विक्की कुमार चार वर्ष, रिधि सिंह चार वर्ष, सब चार वर्ष लिखे हैं। चलिए देखिएगा सात और दो नौ, छो और दो आठ, दो का अंतर है, ये वर्तमान का भी आठ हो जाएगा, आठ को भागा दो से अंतर निकालना है तो छह और सात का अंतर एक हो जाएगा, तो जवाब कैसा हो जाएगा चार वर्ष, आठ साल का डिफरेंस हो गया, आठ को भागा दो से, सात दो नौ छो दो आठ दो से, यहाँ सात और छह में अंतर एक का है, एक से गुणा करेंगे आप जवाब कटेगा तो चार बरस हो जाएगा, सबका जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब आ गया, इसका जवाब दीजिए। छह बरस ध्यान देंगे, छह बरस पहले सीता और गीता की आयु का अनुपात बारह अनुपात उन्नीस था,
12 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, है ना? उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या बनाइए? अनीश कुमार चौदह, नवीन कुमार चौदह, दो व्यक्ति का जवाब है अभी। लगे रहिए। चलिए, बहुत लोग का जवाब सही आया है, 14 14 14, ठीक है 14। विकी सिंह 14, विकास कुमार 14, ठीक है। गुंजन 14, विकास कुमार दास 14, कुंदन कुमार 14, ठीक है। बहुत अच्छा जवाब है आप सबका। आप ध्यान देंगे यहाँ से, अभी 12 अच्छा 3 का अंतर 9 होता है, इसका अंतर 9 नहीं है तो मैनेज करना पड़ेगा। 12:19 ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है 12:19 है और फिर 3:4 क्या है 4 है। अब इसका अंतर 1 है तो ऊपर में 1 सेंटीमीटर, और इसमें अंतर 7 का है तो नीचे 7 सेंटीमीटर। अब देखिएगा आपको ये 12:19 हो जाएगा, और ये जो है आपको हो जाएगा 7 × 21 और 7 × 4 = 28। अब यहाँ डिफरेंस कितना का बन गया, 9 का, है ना? 9 का डिफरेंस है। अब ये देखिएगा 6 साल पहले, और ये है 12 साल बाद, है ना? 6 साल पहले और 12 साल बाद, 6 साल पहले 12 साल बाद में अंतर 12 और 6 कितना का 18 साल का। 18 को भागा आप लीजिएगा कितना से, डिफरेंस डिफरेंस कितने का है 9 का। और निकालना दोनों की आयु का अंतर, तो 12 और 19 में, 12 और 19 में अंतर कितना का, यहाँ 12 और 19 में अंतर जो है आपको 7 का है, तो 7 से गुना करें, 12 7 क्या होता है 19, 7 से गुना करेंगे जवाब होगा। यहाँ से देखिएगा 2 बार में कट जाएगा, 7 × कितना है 14 बरस, आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से देखिए निकला, आप सब बताए जवाब आपका सबका सही, सब सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको बनाइए। इनकी आयु में अनुपात क्या, अवर को अनुपात निकालना, अंतर नहीं निकालना। ध्यान देंगे, प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। 6 बरस पहले सुनीता तथा कविता की आयु में अनुपात 12:7 था, है ना? 12 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगी। 5 वर्ष के बाद में इनकी आयु में अनुपात क्या होगा, ये निकालना। जरा समझिएगा, 12 है 3 है तो 9 का अंतर, फिर आपको ये अंतर समान है, मैनेज करना पड़ेगा। ध्यान देंगे यहाँ से देखिए, 12 19, एक बात समझिएगा, अनुपात जब तभी निकलेगा जब दोनों का उम्र निकलेगा। किसी एक का उम्र आप निकालिएगा तो कभी भी अनुपात आप नहीं निकल पाओगे, है ना? अनुपात निकालने के लिए शर्त है कि दोनों का उम्र निकलेगा तभी अनुपात आने निकलेगा, किसी एक का निकालने से अनुपात नहीं निकलेगा। या एकाएक ही निकालिएगा, बारी बारी से दुगना समय लग जाए, एक ही बार में दोनों का उम्र निकालना है ना? सुनीता का भी निकालना है और कविता का भी निकालना है, तो प्रक्रिया को थोड़ा सा समझिएगा, कोई खास चीज नहीं, बहुत आसानी से निकलता है। अभी आप ध्यान देंगे, ये अनुपात है 12:19 और ये अनुपात है 3 और कितना 4, ध्यान से समझिएगा।
अभी आपको यहाँ अंतर एक है तो ऊपर में अंतर एक से गुना और ऊपर नीचे में अंतर सात है तो नीचे में अंतर सात से। अभी आपको क्या बन गया 12:19 हो गया है ना, और नीचे हो जाएगा 7 × 21 अनुपात हो जाएगा 7 × 28। अभी देखिएगा ये अंतर कितना का 9 का, ये 9 का अंतर है। यहाँ देखिएगा ये 6 बरस पहले और 12 बरस के बाद, 6 बरस पहले और 12 बरस के बाद में अंतर हो गया 18 का। यह 18 का अंतर हो गया 6 बरस पहले और 12 बरस के बाद में अंतर हुआ कैसा का 18 साल। और यहाँ डिफरेंस कितना का है 9 का, तो 9 से भागा देंगे। हमको अंतर नहीं निकालना, हमको अनुपात निकालना, ध्यान से समझिएगा। ये अनुपात निकालना है, ये अनुपात निकालने के लिए एक किसी एक का निकालेंगे कि दोनों का निकालेंगे, दोनों का निकाल। तो आप देखिए ये तो भागा देने का काम हुआ, दोनों का निकालना तो दोनों से गुना कीजिए, 12 × 1 × 19 दोनों से। लेकिन ये 12 × 19 जो था वो किस समय का था, 6 साल पहले का है ना। तो 12 × 19 तो ये गुना करने से निकला उम्र, तो निकला किस समय का, 6 साल पहले का उम्र निकला है। हमको निकालना है 5 बरस के बाद, तो 6 साल पहले से 5 बरस बाद में जाना है, 6 साल पहले से 5 बरस बाद में जाना। यदि वर्तमान का निकालना रहता तो 6 जोड़ते, देखिए वर्तमान का निकालना रहता तो 6 जोड़ते तो वर्तमान का निकल जाता, लेकिन वर्तमान का नहीं निकालना, 5 साल बाद निकालना है तो 5 साल और जोड़ना पड़ेगा, यानी इतना करना होगा। जैसे पहले वर्तमान के निकाले 6 जोड़ देंगे, 6 साल पहले का है तो 6 जोड़ देंगे तो वर्तमान का हो जाएगा, लेकिन वर्तमान का भी नहीं निकालना, निकालना है 5 साल के बाद का, तो 5 साल और जोड़ देंगे, आपका हिसाब बन जाएगा। यहाँ 2 से कट जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से 12 × 2 = 24 और 24 × 36 = 5 = 35, एक का जवाब हो गया 35। दूसरा वाला का करें, दूसरा वाला का हो जाएगा 2 × 19 तो 19 × 38, 38 × 6 = 44, 44 × 5 = 49। अब जवाब देखिएगा, 7 से भागा दे देंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49, आंसर निकल गया है ना। तो ये जवाब आपका सही आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा, तो बहुत आसानी से बन गया। तो आपको दोनों को गुणा करना, ध्यान दीजिएगा इसको, अनुपात निकालना रहेगा तो किसी एक का मामला में, अनुपात तो दोनों का मामला, तो अनुपात में दोनों को गुणा करना। और आप डायरेक्ट 6 × 5 = 11 साल, 6 बरस पहले से 5 बरस बाद में जाना, 6 बरस पहले से 5 बरस बाद में जाएंगे तो 11 साल डायरेक्ट आप जोड़ सकते। ये समझाने के लिए आपको मैंने बोल दिया, लेकिन आप बहुत आसानी से बन गया हिसाब, आपका जवाब हो जाएगा 5 × 7। आप लोग का जवाब ठीक है, विकास कुमार जी 5 × 7, विकास दास 5 × 7, और जवाब दिए हमें, दीजिए जवाब फटाफट फटाफट जवाब दीजिए, एकदम ढाई 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 ढाई। चलिए चंदन ठीक है, कमल कुमार, चांद कमल कुमार 5 × 7 ठीक है ठीक है ठीक है, धनेश्वर कुमार 5 × 7, नौशम कुमार 5 ठीक है, सबका जवाब सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए तब मानेंगे कि आप सीखे, और नहीं तो मैं नहीं मानने वाला कि आप सीखे हैं, क्योंकि सीखना अपना काम होता है, दूसरा कोई के सिखाना थोड़ी सीखता है, मेहनत आपको करना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सीखना थोड़ा और बार दे रहे हैं, जैसे सिखाए एक बार आप कीजिएगा तो थोड़ा अनुभव मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ध्यान देंगे आपको जो है, आप लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है 3 बरस के बाद में, ध्यान देंगे आप। दिनेश और सुरेश की आयु का अनुपात दिनेश की आयु सुरेश की आयु के 2 गुनी होगी, एक गुनी पर दे दिया, गुनी मतलब हम कल बताए थे, दुगुना मैंने 2 अनुपात, 3 गुना मैंने 3 अनुपात, 5 गुना मैंने 5 अनुपात, ऐसा तो बताए थे ना। तो आप देखिएगा ये दुगुनी है, दुगुनी मैंने क्या हो गया 2 अनुपात है ना, बताया है दुगुनी का मीनिंग होता है 2 अनुपात, 3 गुनी का मतलब 3 अनुपात, 5 गुनी का मतलब 5 अनुपात, यहाँ पर मामला दुगुनी है। आप फिर 1 बरस पहले अजय की आयु विजय की आयु से 3 गुनी थी, 3 गुनी का मतलब 3 अनुपात है ना। आप जरा समझिएगा, इसका डिफरेंस 2 का है तो ऊपर में गुना कितना से 2 से, और ऊपर में डिफरेंस 1 से है तो नीचे 1 से, अब गुना कीजिए 2 × 2 = 4 अनुपात, और इसको गुना कीजिएगा तो 3 अनुपात,
आप देखिए जरा सा, अब यहाँ 3:4:2 है ना, 2 से गुना अगर 2 4 2। अब जरा देखिएगा कि ये डिफरेंस जो है आपको एक का काम है ना। अभी यहाँ देखिएगा ये 3 साल बाद और 1 साल पहले है ना, 3 साल बाद और 1 साल पहले, तो 3 और 1 4 साल का डिफरेंस। 4 में भागा, यहाँ डिफरेंस आया था कितना का, 1 का, तो 1 से हम लोग भाग दिया है ना। आप गुना करना, अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालना है तो दोनों से गुना कर, तो 4 और 2 दोनों से गुना करेंगे, 4 से भी गुना और कॉमा लगा के 2 से भी गुना, दोनों से गुना किया तो ये निकला किस समय का, देखिए 4 और 2 जो आया था ये फर्स्ट वाला से आया था है ना। अब फर्स्ट वाला का समय है कितना, 3 साल के बाद, तो ये 3 साल के बाद वाला निकल गया और हमको निकालना था 3 बरस के बाद में, ध्यान देंगे ये भी है 3 साल के बाद और निकालना भी है हमको 3 साल के बाद ही, यानी हमको न जोड़ना है न घटाना है, सेम समय का निकल चुका, 3 साल के बाद ही निकल चुका है, निकालना भी हमको 3 साल के बाद का। ये कट जाएगा जवाब आपका, देखिएगा आपको पूछने वही रह जाएगा, अभी आपको देखिएगा आपको हो जाएगा 4 चौका 16 और फिर 4 दुनिया 8 और फिर सरल कर दीजिएगा, सरल कीजिएगा फिर 4 से भागा दीजिएगा यानी 8 से भागा तो 2:1 आ जाएगा, यानी कि जवाब आपका कितना होगा, 2:1। वाह वाह बहुत अच्छा, 2:1 बहुत अच्छा। अजय यादव 2:1, धनेश्वर कुमार 2:1, अनीश कुमार 2:1, रिद्धि सिंह 2:1, आकाश विश्वकर्मा 2:1 है ना। चलिए पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है, उसमें ऑप्शन भी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा जरा। ध्यान से बनाइए, ये भी बन जाएगा। 10 वर्ष पहले रवि और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था है ना, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, इनकी वर्तमान आयु में अनुपात क्या है, ये निकालना। वर्तमान आयु में अनुपात आप ही लोग को बनाना है, सारे लोग बनाइए एकदम धनाधन आंसर दीजिए। नया प्रश्न का जवाब दीजिए, पिछला प्रश्न का तो जवाब आप तो दे ही दिया, 2:1 था, दीजिए जवाब भाई भाई दीजिए। अभी तक जवाब 2:1 है, कुछ लोग 3:1 भी दिए हैं, चलिए देखते हैं इसका भी जवाब 2:1 ही आ रहा, क्या सब लोग का जवाब 2:1 ही आया है। 10 वर्ष पहले रवि और उसके पुत्र की आयु में अनुपात 3:1 था, ध्यान देंगे यहाँ से 3:1, और 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, ये 5:3, 3 2 5 1 और 2 3, अंतर तो बराबर है ना, डिफरेंस आपका ऑलरेडी 2 का 1 और 2 3 और 3 और 2 5 2 का है। अभी आपको 10 वर्ष पहले
और 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष के बाद अंतर हुआ 20 वर्ष का। ये 20 20 में भागा कितना से पड़ेगा, 20 में भागा 2 से। अभी आपको दोनों का उम्र निकालना है तो दोनों से गुणा करेंगे, 3 से और कितना से 1 से, दोनों से गुणा कर देंगे। दोनों का निकालना है, दोनों से गुणा। अब जो ये निकला हमारा 3x निकला फर्स्ट में है, तो फर्स्ट वाला समय है कब का, 10 वर्ष पहले का। और हमको जो गणना करना है वर्तमान काल का देख के निकालना है। ये निकला जरूर, ये निकला किस समय का, फर्स्ट वाला गुणा किए तो फर्स्ट वाला का टाइमिंग था आपको 10 वर्ष पहले। ये आंकड़ा हमारा 10 वर्ष पहले का निकला और हमको निकालना है कौन काल में, वर्तमान काल में। तो 10 वर्ष हमको क्या करना है, जोड़ना। आप देखिएगा 2 दहाई के 20 और 10 या 30 और 10 कितना हो गया 40 वर्ष। और एक और है जैसे 10 या के 30 आई वाला 10 मिला के हुआ 40, आई 10 गुना होगा 1 में, अब 1 वाला पर 10 एकम 10 आई वाला 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। अब आपको कटेगा 20 से भागा लगेगा तो 2:1 हो जाएगा। इस प्रश्न का भी जवाब आपको आ गया 2:1। आप सभी का जवाब सही, बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने सही जवाब इसका भी दिया है। तो जो लोग अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को अवश्य कर दीजिए। आज जो है हम यहीं तक आपको छोड़ते हैं, चलिए धन्यवाद। आप सभी लगे रहिएगा, है ना, मिलती है नौकरी पढ़ाने वाला चाहिए, जरूर मिलेगा।